हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज की भजिया। पर वीडियो शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले हमने लिए हैं कुछ प्याज और हरी मिर्च। प्याज को मैंने स्लाइस फॉर्म में काट लिया है और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है। एक बार हम प्याज को इस तरह से मसल लेंगे जिससे कि उसके सारे जूलियंस अलग अलग हो जाएँ। आप देख सकते हैं सारे प्याज अच्छे से खुल चुके हैं। अब हम इसमें फटाफट से हरी मिर्च डालेंगे जो हमने काट के रखी थी और कुछ मसाले। सबसे पहले यहाँ मैंने डाला है नमक। नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि इसमें नमक बहुत ही कम जाएगा। थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ध्यान रखेंगे इसमें देगी मिर्च नहीं डालेंगे। यहाँ मैंने डाला है कस्तूरी मेथी, चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। आपके पास धनिया अवेलेबल हो तो आप हरा धनिया भी ज़रूर डालें। एक बार हम मसालों को प्याज के जूलियंस में अच्छे से मिक्स करेंगे। जब मसाले अच्छे से सारों पे कोट हो जाएंगे तब हम डालेंगे आधे नींबू का रस। अगर नींबू ना हो तो आप थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं। एक बार फिर से प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखेंगे बेसन डालने से पहले ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है ताकि सारे अनियंस पर अच्छे से मसालों की कोटिंग हो। अब हम बेसन डाल रहे हैं। 2 चम्मच बेसन के साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चावल का आटा लिया है। चावल का आटा अगर आपके पास ना हो तो आप सूजी भी डाल सकते हैं या फिर नॉर्मल चावल को मिक्सी में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। इसको एक बार हम मिक्स करेंगे। ध्यान रखेंगे मैंने सारा बेसन यहाँ पर एक ही टाइम पर नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके हम बेसन डालेंगे। सबसे पहले हम सारे प्याज पे बेसन की अच्छी सी कोटिंग करेंगे। इस स्टेप को अपने हाथ से ही करेंगे, स्पून की हेल्प नहीं लेंगे। अब आप देख सकते हैं सारे अनियंस पर बेसन अच्छे से कोट हो चुका है। तो अब इस टाइम पर हम 2 चम्मच बेसन और डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर बेसन आपको ज़्यादा ड्राई लग रहा हो तो आप अपने पाम में बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेके डाल सकते हैं, पर ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बैटर रेडी हो चुका है। हमें इसके लिए ज़्यादा पतला बैटर भी नहीं चाहिए और बिल्कुल आटे की तरह भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लिया है और इसमें हम सारे भजिया तलने डालेंगे। इस स्टेप को भी मैं हाथ से ही करना प्रेफर करती हूँ, स्पून से नहीं, क्योंकि भजिया की थोड़ी सी ऑड इवन शेप ही आनी चाहिए। आप अपने हिसाब से इसका साइज़ छोटा या बड़ा बना सकते हैं, पर ध्यान रखेंगे जो प्याज बाहर निकलते हैं भजिया में से उसी से क्रिस्प आएगा, तो इसे ज़्यादा सर्कुलर फॉर्म में नहीं बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पे सारी भजिया तलने डाल दी है। इसे एकदम से हम स्टर नहीं करेंगे, पहले इसे 30-40 सेकंड्स के लिए सेट होने देंगे, उसके बाद इसे पलट देंगे। यहाँ पे भजिया सेट हो चुकी है तो मैं इसे एक बार पलट दूँगी। ध्यान रखेंगे अब हम बीच बीच में इसे पलटते रहेंगे जिससे कि ये सारी तरफ से अच्छे से पक जाएगी। यहाँ पर भजिया मेरी पकनी शुरू हो गई। अब हम इसे एक बार फिर पलटेंगे और जैसे ही ये ब्राउन होगी इसे हम निकाल लेंगे। आप देखें कुछ इस तरह का ब्राउन कलर हमें इसका चाहिए। अब हम इसे एक प्लेट में निकालना शुरू करेंगे। ये देखिए सारी तरफ से अच्छे से पक चुकी है। अब आप इसकी आवाज़ देख सकते होंगे कि ये कितना ही क्रिस्पी बनी है।
आप इस भजिया को रेड केचप या फिर धनिया चटनी के साथ भी खा सकते हैं। धनिया चटनी की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं। हमारी भजिया एकदम क्रिस्पी तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट रेसिपी आप किस चीज़ की देखना चाहेंगे। स्टे ट्यून्ड।